हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से भाइयों भाई के साथ। आज हम देख रहे हैं पल्सर 150 cc का हेड। जी हाँ दोस्तों, इंजन होता है उसका हेड होता है। हेड में देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो अब सामने देख रहे हैं, ये है अपनी कैम। ये पल्सर 150 cc की कैम है और इसमें टाइमिंग वगैरह फिक्स लगी हुई है। अपन को चेक करना है ख़राब है या सही है। तो यहाँ दोस्तों अपन जहाँ मैं साफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर कहीं कटी तो नहीं है। ये पूरी प्लान होना चाहिए। और बैरिंग को क्या करना है, बैरिंग को साइड पर चेक करना, ऐसे ऐसे तो फ्री होती है, लेकिन को साइड पर चेक करनी है। और इसके साइड पर बिल्कुल ओके है, यानी कि ये सही है। अब बारी आती है आपकी हेड की, जो डॉग होते हैं जिसे डॉग कहते हैं और रॉकर भी कहते हैं। तो ये रॉकर चेक करने हैं, वैसे ही चेक करने हैं, साइड पर दोनों बैरों में चेक करनी है। और इसके जो बैरिंग है वो भी चेक करनी है और रॉकर की पिले भी चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको चेक नहीं करते और ऐसे ही लगा देते हैं, तो अपन को पूरा इंजन ही मतलब कि पूरे जो स्टड होते हैं नट बोल्ट वो भी खोलने पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को पहले ही चेक करनी है। ख़राब है तो तुरंत हाथों हाथ डालने हैं जेनुइन। अब वो चेक करना है हेड का प्रेशर सही है, बाल का जो बाल गाइड होती है, बाल गाइड का प्रेशर सही है या नहीं सही है। जो बाल होते हैं उनमें प्रेशर होता है तो वो चेक करना है। तो आप चेक करेंगे, अपन को कैसे चेक करना है बता दूँगा आपको, कि यहाँ पे उंगली रखनी है, यहाँ पे ये उंगली रखी रहना है और यहाँ पे उंगली रख के रखना है जब तक अपन बाल इसको इस तरफ से बाल खींचते हैं। तो बाल देखिए बैक जा रहा है, यानी कि प्रेशर इसमें एक नंबर का है। और ऐसे ही दूसरा बाल है वो भी अपन को ऐसे चेक करना है। यहाँ पर उंगली रखेंगे, बाल को नीचे करेंगे और यहाँ पर रख के रखेंगे। तो इसमें भी यह है और इसमें प्रेशर है और ये भी सही है। एक बार दोबारा दिखा दूंगा आपको प्रेशर कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पर उंगली रखनी, इस जगह आपको इस जगह उंगली रखनी है और इस तरफ बाल को अपना खींचना है, तो अलग ही आवाज आएगी। हेलो, इसके बाद प्रेशर सही है, प्रेशर की गाइड सही है, बाल की गाइड सही है। आपको करना है बाल चेक, बाल तो कट नहीं रहे कहीं से। तो देखिए यहाँ देखनी आपको साइड में, तो बाल एक नंबर अच्छे, छोटा बाल तो कभी कटता ही नहीं वैसे, तो कभी कभी कट जाता है, लेकिन ये छोटा बाल बिल्कुल सही है। और बड़े बाल की बात आती है तो बड़ा बाल यहाँ से कट रहा है, तो ये बड़ा बाल ख़राब है, यानी दोनों बाल डलेंगे। और आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।